तो गाइस लास्ट जो वीडियो हमने आपको दिखाई थी वो दिखाई थी टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स को परचेज कैसे करते हैं, मतलब कि शोरूम में जाते हैं, क्या क्या स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। आज बात करते हैं कि अगर आपने टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल परचेज कर लिए उसके बाद सर्विस का क्या प्रोसीजर होता है, क्योंकि सर्विस जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हम चाहते हैं हमें एक ऐसी सर्विस मिले जिसमें हमारे पास कोई हेडक ना हो, किसी तरह की टेंशन ना हो। और हमारे पीछे देख सकते हैं आप इंट्रा V20 भी हमारे साथ है, योद्धा भी हमारे साथ है और बाकी कमर्शियल व्हीकल्स भी आप देख सकते हैं। हम आए आज अशोक मोटर वेंचर LLP में जो कि गाजियाबाद में है और यहाँ पे हम एक्सपीरियंस करेंगे कि टाटा मोटर्स की कमर्शियल व्हीकल्स की सर्विस कैसे की जाती है। तो यश जी और सचिन जी हमें पूरा गाइड करेंगे कि सर्विस कैसे होती है कमर्शियल व्हीकल्स की और क्या क्या स्टेप्स इनमें इन्वॉल्व होते हैं। तो सर, अगर मैं सर्विस करवाने आ रहा हूँ अपने व्हीकल की, तो सबसे पहला स्टेप मुझे क्या करना पड़ेगा? गेट पे एंट्री होती है, गेट पे एंट्री में सबसे पहले हमारे सिक्योरिटी गार्ड मिलते हैं कस्टमर से, उनसे गुड मॉर्निंग करते हैं, नमस्कार कहते हैं। नमस्कार करने के बाद उनका समस्या का जो टोकन है किलोमीटर रीडिंग करते हैं और गाड़ी प्रॉपर चेक करते हैं। किस तरह से चेक करते हो सर आप? देखते हैं नई गाड़ी जिसमें मतलब कोई डेंट वेंट तो नहीं है, बाकी स्टेपनी वगैरह होती है गाड़ियाँ वो भी सब देखनी पड़ती है इसमें, और इसकी जो प्रॉपर रीडिंग वगैरह होती है वो सब लिखनी पड़ती है। जी जी। कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर, किलोमीटर वगैरह, फिर इसको हम टोकन बना करके अंदर दे देते हैं। अंदर जा करके एडवाइजर इसका जॉब कार्ड खोलता है, फिर गाड़ियाँ अंदर आती है। टोकन जाने के बाद जो एडवाइजर है जॉब कार्ड ओपन करता है, ओपन करके समस्या लिखता है, क्या समस्या है, उसे प्रॉपर एस्टिमेट दे के उनके वर्कशॉप में काम कराता है। तो गाइस अब आ चुके हैं हम ऑफिस में और यहाँ पे यश जी हमें बताएंगे क्या क्या स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। सबसे पहले सर कस्टमर हमारे पास में आते हैं, यहाँ पे ये कस्टमर के लिए सिटिंग है जी। वो हमारे एडवाइज़र हैं, कस्टमर उनको बताते हैं कि गाड़ी में क्या काम हो, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉपर काम करवाना चाहते हैं। वो एडवाइज़र हमारे आपको एस्टिमेट देते हैं और ये हमारा कस्टमर लॉन्ज है, इसमें कस्टमर वेट करते हैं। तो चलिए एक बार ये भी चेकआउट कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कस्टमर लॉज यहाँ पे बनाया गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कस्टमर जो है वो तब तक वेट करेगा जब तक उसके व्हीकल की सर्विस नहीं हो जाती। तो गाइस अब आ चुके हैं हम दूसरे स्टेप में और यहाँ पे अगेन हमारे साथ जुड़ चुके हैं सचिन जी। तो सचिन जी अब क्या करना पड़ेगा हमें? आप देख सकते हैं कि जैसे ही एडवाइजर ने जॉब कार्ड ओपन किया, जॉब कार्ड सीधा फ्लोर इंचार्ज पे आया, फ्लोर इंचार्ज ने गाड़ी वर्कशॉप पे लगाई, बे पे लगाई। आप बे पे उसके बाद उसने टेक्नीशियन प्रोवाइड करे गाड़ी पे और गाड़ी सर्विस के लिए आई है। फर्स्ट फ्री सर्विस है, इसमें सर्विस है, इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर सब कुछ चेंज होगा और प्रॉपर हमने कस्टमर एस्टिमेट दे रखा है। आप जान सकते हैं जैसे कस्टमर लॉन्ज बैठा था, हमने 2 घंटे टाइम दे रखा है, 2 घंटे में सर्विस होके गाड़ी ऑन रोड हो जाएगी। पहली सर्विस 40,000 किलोमीटर पे है 1 साल के अंदर। सर्विस के बाद प्रॉपर गाड़ी में डायग्नोस होगा, लैपटॉप लगाया जाएगा, कुछ अगर लैपटॉप के अकॉर्डिंग कोई फॉल्ट कोड आ रहा है उसमें इसको हम चेक करेंगे गाड़ी में क्यों फॉल्ट कोड आ रहे हैं, क्यों दिक्कत आ रही गाड़ी के अंदर, उसमें टेक्नीशियन और इलेक्ट्रीशियन प्रॉपर चेक करेगा गाड़ी को। एक दिन में कितने आप व्हीकल को सर्विस कर देते हैं? 36 व्हीकल को? जी सर। अरे वाह, तो उसमें ट्रक भी इन्वॉल्व होते हैं? छोटे भी इन्वॉल्व है और ILC प्रॉपर टाटा कॉमर्शियल आज गाड़ियाँ आती है। तो गाइस एक दिन में ये लोग 36 व्हीकल्स को पूरा सर्विस कर देते हैं जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। मान लो इस ट्रक में कोई कमी आ जाती है या स्पेयर पार्ट हमें कोई चाहिए होता है तो हम कैसे उसको सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को? सर्विस के अलावा कस्टमर अगर एडिशनल वर्क निकलता है तो उसे टेक्नीशियन फ्लो इंचार्ज को बताता है, फ्लो इंचार्ज गाड़ी में आता है, चेक करता है क्या दिक्कत है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर MR करती है, MR काटता है, MR स्टोर में जाती है, स्टोर में पार्ट अवेलेबल होता है तो एक बार देख लें वो पार्ट भी। जी सर। तो ठीक है गाइस अब चलते हैं एक बार स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी चेक करने। तो गाइस हम आ चुके हैं अब स्पेयर पार्ट्स के स्टोर में और यहाँ पे सचिन जी हमें बताएंगे कि कैसे पार्ट्स अवेलेबल होते हैं। हमारा प्रॉपर स्टोर है, यहाँ पर सारा पार्ट्स मिलता है हमारे पास, जो पार्ट्स हमारे पास नहीं होता हम उसे MAPL के द्वारा मंगाए जाते हैं। और बाकी क्या क्या पार्ट्स इसमें यहाँ पे रहते हैं कुछ एग्जांपल आप देख सकते हैं? एग्जांपल आपका प्रॉपर इंजन ऑयल है, गियर ऑयल, डिफरेंशियल ऑयल, कूलेंट वगैरह सारे इसमें ऑयल का है और पार्ट का देखा सेंसर के अलावा आपके फिल्टर्स हैं सारे वर्कशॉप के अंदर। हमारे उस साइड में SCV है, इसमें SCV है, इस तरह का कुछ स्टोर में हमारे जो बैठे हुए हैं आप देख सकते हैं सारे एम्प्लॉय बैठे हुए हैं। इन लोगों ने आसान तरीके से एक बे बना रखी है LCV की और SCV की, इससे आसानी होती है कि कोई भी गाड़ी सर्विस होती है इस रैक के अकॉर्डिंग सामान निकाला जाता है। सामान निकालने के बाद जो उनके पास MR आती है हमारे पास स्टोर में उसको एंट्री चेक करते हैं, प्रॉपर एंट्री करने के बाद उसे बिल में इन्वॉइस डालते हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से फ्लो इंचार्ज MR काटता है, वो MR इनके पास आती है स्टोर में, स्टोर वाले जो हमारे हैं उस प्रॉपर सामान देते हैं, सामान देने के बाद टेक्नीशियन गाड़ी में काम करता है।
सर ये गाड़ी हमारे पास आई थी कि इंजन ऑयल कंजप्शन, हाई इंजन ऑयल कंजप्शन के लिए, तो हमें पाया गया है कि टर्बो चार्जर फेल मिला। जी जी। तो टर्बो चार्जर की रिपोर्ट आने के अनुसार हमने फिर सम्प को खोल के चेक किया, तो इसके अंदर इंजन ऑयल स्टारवेशन हो गया था। जी जी। तो क्रैंक सीज हो गई। अच्छा अच्छा। तो उसकी वजह से हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं, रिकॉन इंजन। ये हमारे पास प्रो लाइफ इंजन आते हैं। अच्छा अच्छा। इनको हम रिकमेंडेड होते हैं ये प्लांट से ही। कुछ छोटे व्हीकल और बड़े व्हीकल में कितना टाइम लग जाता है सर्विस होने में पूरा टोटल? सर एसयूवी का अगर हम 10,000 किलोमीटर का सर्विस कर रहे हैं तो 1 घंटा। जी। और अगर 20,000 का सर्विस कर रहे हैं तो मिनिमम 2 घंटे में हम उसको गाड़ी को ऑन रोड कर देते हैं। सचिन जी, इसके बाद कौन सा स्टेप रहता है? जिस तरह से आपको बताया टेक्नीशियन ने गाड़ी में किस तरह काम होता है, काम होने के बाद जैसे ऑन रोड से पहले हम गाड़ी का रोड टेस्ट लेते हैं। रोड टेस्ट लेने के बाद गाड़ी वॉशिंग लगाते हैं। आइए आपको दिखाता हूँ वॉशिंग। चलिए फिर वॉशिंग भी देख लेते हैं एक बार। तो गाइस हम आ चुके हैं वॉशिंग वाले एरिया में और यहाँ पे यश जी अगेन हमारे साथ जुड़ चुके हैं और यश जी हमें बताएंगे कि क्या होता है इसमें स्टेप। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे जी, ये पूरा वॉशिंग एरिया है। जी जी। यहाँ पे छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी सारी गाड़ी वॉशिंग होती है। वॉशिंग होने के बाद में बे से निकलती है, फिर वहाँ पे ग्रीसिंग होती है। अच्छा। ग्रीसिंग होने के बाद में गाड़ी मेन गेट पे चली जाती है, मेन गेट से फिर कस्टमर को डिलीवर करके वो अपने फिर अपने घर ले जाते हैं। तो भाई यश जी, अगर मैं सर्विस कॉस्ट के बारे में आपसे पूछूं तो जैसे कि एग्जांपल मेरे पास ये योद्धा खड़ा है तो इसकी सर्विस कॉस्ट कितनी हो जाएगी करीब? सर इसका आपका एस्टीमेट आता है, अगर फर्स्ट फ्री सर्विस है तो 6,000 से 7,000 के बीच में आपका अप्रोक्स आ जाता है विदाउट लेबर। ओवरऑल जो कॉस्ट आ जाती है सर्विस की वो कितनी मान सकता हूँ मैं इसकी, अगर कुछ खराबी ना हो इसमें तो? अगर कुछ खराबी नहीं है तो इसमें आपका 7,000 रुपये आ जाता है। ये वाला व्हीकल तो हो गया छोटा सा, अगर हम बड़े सेगमेंट पे जाएं जैसे कि इस तरफ मेरे ट्रक खड़ा है इसकी सर्विस की बात की जाए तो इसका सर्विस कॉस्ट कितनी रहेगी करीब? इसमें 500 रुपये का डिफरेंस है खाली बस। अच्छा, 500 रुपये का डिफरेंस है। इसमें आपका 7,500 से 8,000 रुपये समथिंग आ जाता है खर्चा। अच्छा। और उसमें आपका 7,000 रुपये समथिंग खर्चा। और ये व्हीकल जो मेरे पीछे आया अभी टाटा विंगर, ये विंगर में भी आपका ऐसी है, इसका भी सेम योद्धा वाला सीन है। योद्धा वाला सीन है। तो जैसे आप देख रहे होंगे ये वो सामने सिग्ना खड़ा है। जी जी। सिग्ना खड़ा है, उसकी सर्विस होती है 40,000 किलोमीटर पे। 40,000 किलोमीटर पे होने के बाद में उसका जो अप्रोक्स टोटल खर्चा आता है वो आता है 40,000 रुपए का। 40,000 रुपए का। हाँ ठीक है। बाकी आप हमें नीचे देख कॉमेंट्स में बताइए कि कैसी लगी आपको वीडियो और क्या टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल्स परचेज करने के बाद उनकी सर्विस प्रॉपरली टाइम पे करवाते हैं या फिर नहीं। एक और गाइस इस पे वीडियो हम आपके लिए बनाने वाले हैं जिसमें हम कवर करेंगे वारंटी वाले पार्ट को, क्योंकि क्या होता है कि सर्विस तो यस जी लोग करवा लेते हैं लेकिन वारंटी का जब पार्ट आता है ना काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो गाइस एक काम करते हैं, वारंटी की वीडियो आपके लिए एक सेपरेट रखते हैं पार्ट 2 में और वहाँ पर आपको बताते हैं कि वारंटी जो होती है व्हीकल्स की वो कैसी होती है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।